हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कुछ यूनिक प्रोडक्ट की। काफ़ी लंबे टाइम से मैं वेट कर रहा था इस प्रोडक्ट को बाय करने का, बट अच्छी प्राइस मेरे को मिल नहीं रही थी। मार्केट में भी बहुत कॉस्टली था और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजोन पे मुझे बहुत बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल चुका है ये। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग। आई होप सो आप सबको मेरा ये अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। तो करते हैं अनबॉक्सिंग। ये उस तरह की कुछ पैकिंग मिली है अमेजोन से मेरे को, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैकिंग करके भेजा है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ये है अमेजोन बॉक्स, पैकिंग तो अच्छी करके भेजी है। अब देखते हैं अंदर प्रोडक्ट कैसा है। टूट फूट ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ, टूटा ना हो। ये है हमारा इको डॉट जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया। बहुत ही कम प्राइस पे मुझे मिल चुका है। दो मैंने को अमेजोन इको डॉट ऑर्डर किए थे, दोनों मुझे मिल चुके हैं। और ये बल्ब उसके साथ में, तो अब इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका रिव्यू जो होगा मैं आप लोगों को दूँगा, कैसा ये वर्क करता है और कैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। ये मेरे को अमेज़ोन में पहले ये सिर्फ एक इको डॉट मिल रहा था 3,500 में, फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल के अंदर ये तीन चीज़ें मेरे को मिली है 2,999 रुपीज़ में। तो बहुत अच्छी मुझे ये, तो मैंने परचेज़ कर लिया है। एक मेरा है और एक मेरे ब्रदर को देना है। और इसके साथ में बल्ब मिला है, ये कलरफुल LED 9 वोल्ट का बल्ब है। इसकी भी पर्सनल आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, इसको प्लग में लगाना है और एप्लीकेशन से वाईफाई से कनेक्ट करना है। और RGB है ये। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, कैसा है ये प्रोडक्ट। इसके बॉक्स में एक तो बल्ब मिलता है, एक एक क्विक गाइड मिलती है और अंदर बॉक्स में कुछ भी नहीं, खाली है। इसको साइड में करते हैं, अब अनबॉक्स करते हैं इको डॉट। ये है इको डॉट और बॉक्स में यूज़र मैनुअल मिलती है और साथ ही साथ इसका एक चार्जर जो हमको बॉक्स में ही मिलता है। चार्जर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बस वायर थोड़ा सा हेवी हो जाता तो अच्छा रहता, बाकी अच्छी है क्वालिटी। ये कुछ चीज़ें बॉक्स के साथ मिलती है। दूसरे बॉक्स में भी देख लेते हैं क्या क्या है। दूसरे बॉक्स में भी एक इको डॉट है और यूज़र मैनुअल है और एक चार्जर है। हमारा प्रोडक्ट सही सलामत हमारे पास पहुंच चुका है। तो बिना किसी देरी के करते हैं इसको प्लग इन और यूज़ करके देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, और आपके साथ शेयर करता हूँ मैं इस एक्सपीरियंस को। तो सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँगा बल्ब, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इको डॉट। अब हमको इसकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अंदर आपको इसको कनेक्ट करना है। तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे कनेक्ट होगा ये। सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, एलेक्सा सर्च करना है और सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आती है इसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। अगर आपने अमेज़ॉन में साइन इन कर रखा है, वही अकाउंट डिटेल जो है आपकी यहाँ फिल करना है और साइन इन करना है, वरना क्रिएट ए न्यू अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मेरा अकाउंट है तो मैं साइन इन करके मिलता हूँ 2 मिनट में।
साइन इन करने के बाद में ये कुछ इस तरह से ओपन होगी एप्लीकेशन। तो आपको जो भी अपना नाम वाम डालना है वो सब यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने ये नाम डाल रखा है जो मेरा खुद का है। साइन इन करने के बाद में ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से खुल जाएगी। अब इसके अंदर अपने को ये एलेक्सा इको डॉट है जो कनेक्ट करना है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। नीचे दिए गए 3 डॉट पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा मोर, इस जगह पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, अमेज़न इको पे क्लिक करना है, और आपका जो भी डिवाइस है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ब्लूटूथ ऑन करना है। ये श्योर करके रखना कि आपका डिवाइस पावर ऑन हो। पावर ऑन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्कैन करेगा और यहाँ नाम आना बहुत ज़रूरी है उसका। ये जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इको डॉट UE2, इस पर क्लिक करना है, पेयर करना है, डन। उसके बाद में आपके इको डॉट पे देख लेना, लाइट दिखाई देगी जो डिस्प्ले में दिखा रही है। अगर ऐसी दिखाई दे तो यस, वरना नो। मेरे को दिखाई नहीं दे रही तो मैं नो कर रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ प्रेस टू होल्ड एक्शन बटन, वेट करना। अब हम सेटअप मोड में हैं। अपने अलेक्सा ऐप में दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो अगर आपके भी ये प्रॉब्लम आए तो कुछ नहीं, ये जो बटन दिखा रहा है इसको प्रेस टू होल्ड करना है और ऑटोमेटिकली वो लाइट लगने लग जाएगी जो मैंने दिखाई थी। ये दिख रही स्क्रीन पे लाइट वैसी। फिर यस करना है, सर्चिंग फॉर डिवाइस पे जाना है। अभी ये वाईफाई से कनेक्ट होगा। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो किसी का भी फ़ोन यूज़ कर सकते हो, उसका हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए, उससे कनेक्ट कर लीजिए। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ पे 5G का है सपोर्ट, तो वाईफाई लगा हुआ है तो मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। आपका डिवाइस अपडेट हो रहा है, डिवाइस के तैयार होने पर मैं आपको बता दूंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इको डॉट कनेक्ट हो चुका है। योर इको इज रेडी। अब इसमें आप सेट कर सकते हो कि आपने कहाँ रख रखा है ये। मैंने लिविंग रूम में रख रखा है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब ये मेरा कुछ एड्रेस सा है तो मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ इनको। हेलो, आई एम अलेक्सा, इट्स लवली टू मीट यू। Let's get you started with 4 things to try. You can say stop at any time. Let's get started. To talk to me, just say my name and ask me a question. Try Alexa. Saying this, Alexa, how's the weather? Hey Alexa, play NCS song, non-copyrighted song. Playing songs by NCS from Jio Saavn. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord. ये बटन है वॉल्यूम कम करने का और ये वॉल्यूम बढ़ाने का, तो लाइट से आपको पता चल जाएगा, ये जो लाइट है इससे पता चल जाएगा वॉल्यूम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। और अगर यहाँ रेड लाइट आ रही है और आपका एलेक्सा वर्क नहीं कर रहा है तो समझ जाना वो म्यूट है, तो उसको अनम्यूट करने के लिए इस बटन, अगर ऐसी रेड लाइट आ रही है तो अनम्यूट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तब एलेक्सा वर्क करेगा। काफ़ी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने ये अभी सेटअप किया तो ये म्यूट आया था मेरे पास में, ये वाला म्यूट है, दूसरा वाला मुझे नहीं पता म्यूट है या अनम्यूट है, इसका भी सेटअप करूँगा अभी मैं, चेक करेंगे दोनों, ये दो है मेरे पास में, साथ ही मैंने बल्ब लिया था ये, तो इस बल्ब का भी सेटअप करना है और बहुत ही जल्दी इस बल्ब का भी रिव्यू दे दूँगा मैं, तो देखते हैं, वेट करना। आई वॉन्ट टू रीच 1 million likes।